तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास नाइन्थ के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 37/2024 डेट के लिए है। दोनों मीडियम में एक साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। ऐसा क्वेश्चन फिक्स है, एक आना, ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले कि वर्कशीट असेसमेंट सब कुछ अपलोड है चैनल पर या फिर कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो, आपको लास्ट सेशन की भी सभी वर्कशीट असेसमेंट मिड टर्म पेपर एनुअल पेपर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, दोनों शिफ्ट के देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शनल फॉर्म, निम्नलिखित को भिन्नात्मक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि पी बटे क्यू की फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.8 के ऊपर बार, सेकंड क्वेश्चन है 35.43 के ऊपर बार, ठीक है। तो ध्यान से देख लो इसका सॉल्यूशन ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, ओके। तो बच्चों आंसर देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.8 के ऊपर बार है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में बच्चे लिखेंगे माना, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट, ब्रैकेट नहीं लगाना, लेट इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना माना। एक्स इक्वल टू 2.8 के ऊपर बार, ये मान लिया इक्वेशन वन है, समीकरण एक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद ध्यान से देखो, पॉइंट जो है इस नंबर से कितने डिजिट पर है, तो इकाई दहाई पर है, किस पर है, दहाई पर, इकाई दहाई, तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अपने मीडियम में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अपने मीडियम का ध्यान देना, दोनों मीडियम में मैंने एक साथ आंसर लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद में जब इक्वेशन वन में 10 से दोनों तरफ गुणा करोगे, तो इस साइड 10 से गुणा करोगे तो एक्स का 10 से गुणा करोगे आ जाएगा 10x, यानी कि 10x, और 2.8 इसके ऊपर बार है, इधर 10 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 28.8 के ऊपर बार। अब कैसे हुआ ध्यान से देख लेना, ये मान लो 2.8 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है 2.888 ये बढ़ता जा रहा है, ये नंबर बार बार आ रहा है, इसका मतलब बार है, ठीक है ना, बार का मतलब वो नंबर बार बार आ रहा है। जब इसमें 10 से गुणा करोगे तो 0.1 डिजिट इधर खिसक जाएगा, मतलब आ जाएगा 28.8, और ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब आप ऐसे बार लगा सकते हो, ठीक है। तो 10 से गुणा करने पर 28 हो गया, 0.1 डिजिट इधर खिसकेगा, लगा के 8 के ऊपर बार ऐसे ही लगा दो, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया 28.8 के ऊपर बार, और इसे मान लो इक्वेशन टू है, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये इक्वेशन टू हो गया। अब फिर से आपको हिंदी में लिखना है समीकरण दो से, ये समीकरण दो हो गया, से समीकरण एक घटाने पर समीकरण एक ये है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, अब इक्वेशन टू से, तो सबसे पहले इक्वेशन टू लिखो, क्या है, 10x इधर है, 28.8 के ऊपर बार इधर है, लिख दिया। इक्वेशन वन माइनस करना है तो x को x की साइड लिखना, इक्वेशन वन ये है, x इसके नीचे लिखो, 2.8 के ऊपर बार इसके नीचे लिखो, ठीक है। अब घटाना है क्योंकि यहाँ पर घटाने पर लिखा गया है, यानी सब्ट्रैक्टिंग करना है, तो अब माइनस करो, ये 10x है और ये है 1x, 10x में से 1x माइनस करेंगे आएगा 9x, और इधर 8 के ऊपर बार, 8 के ऊपर बार, डेसिमल डेसिमल सेम कट गया, 28 में से 2 माइनस करो, 26 आएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 26, 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में 9, ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, यानी कि p बटे क्यू के रूप में ये हो गया, ठीक है, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया, ऐसे ही लिख लो अपने मीडियम का ध्यान देते हुए, कहीं पर कोई डाउट होगा बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन है 35.43 के ऊपर बार है, मतलब कि ये नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे माना, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट, एक्स इक्वल टू 35.43 के ऊपर बार है, इक्वेशन वन हो गया, समीकरण एक हो गया। अब ध्यान से देखो डेसिमल कहाँ पर है, ध्यान से देखो, दोनों के ऊपर बार है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर है, तो हम दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन में 10 पे था तो 10 से किया था, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़े पर है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखोगे हिंदी मीडियम में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, अब 100 कैसे लिखा गया, समझ लो इकाई दहाई सैकड़े पर पॉइंट है, यानी बार के बाद अगर हम काउंट करेंगे तो सैकड़े पर है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100, ठीक है। तो इस इक्वेशन में 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, x में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x हो जाएगा, इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा
3543.43 के ऊपर बार। ठीक है, अब कैसे है ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा 35.43 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है, मतलब 35.43 ये नंबर बार बार आ रहा है। तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 का मतलब डबल डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर लगेगा, तो ये हो जाएगा 3543, फिर पॉइंट आएगा 43, और ये बार बार रिपीट होगा, इसीलिए बार फिर से लगा दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, ये चीज़ ध्यान में रखना, 100 से गुणा करने पर, ठीक है, ये लिखना नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया, फिर से सेम समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश में सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 सबसे पहले आप लिख लो, 100x इक्वल टू 3543.43 के ऊपर बार लिखा गया, और इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखो, x को इसके नीचे लिखो, 35.43 के ऊपर बार है, इधर लिखो। ठीक है, अब माइनस करना है आपको, 100x में से ये 1x है, माइनस करोगे आ जाएगा 99x, और इधर 43 के ऊपर बार है, इधर भी बार है, पॉइंट पॉइंट से कट चुका है, 3543 में से 35 माइनस करोगे आएगा 3508, तो x इक्वल टू ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कि 3508/99 ये फ्रैक्शनल फॉर्म यानी कि भिन्नात्मक रूप यानी कि P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। इसी के साथ ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन पेपर में फिक्स है आना, 1, 2, 3 नंबर में, ध्यान रखना, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।